हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है फ्रैंकफर्ट का जो टी टेन मैच है फ्रैंकफर्ट फॉर टी टेन मैच बहुत दिन बाद टी टेन मैच कवर कर रहे हैं एफ सी सी मतलब टी यू एच के बीच जो मैच होना अलग मैच की वीडियो कवर करना है इसलिए बहुत मैंने स्टैट्स निकाले इसके मतलब आज तक जिस प्लेयर ने क्या क्या किया पूरा निकाल के दिया कुछ मैचेस करने दिया पूरा मैंने ऑल ओवर निकाल के दिया इसलिए एक लाइक जरूर करना बहुत मेहनत लगी है और शेयर वगैरह जरूर करना तो वीडियो करते स्टार्ट और उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नया आया तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है सिंपली आपको हमारे टेलीग्राम

तो यहाँ मैंने टी यूएच के इतने सारे स्टैट्स निकाले थे यो बहुत हार्डवर्क है तो आई थिंक आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को देखते करते वीडियो को स्टार्ट जावेद बट की बात करें तो यहाँ पे 77 मैचेस में विकेट कीपिंग सेक्शन में, में दिया हुआ है 77 मैचेस में इसके 1429 फोर टू नाइन रन है बाइस की एवरेज है बाइस की एवरेज बताऊं तो ऐसी एवरेज होती है न, ना ना बैट्समैन बुरा है ना बैट्समैन अच्छा है तो मतलब ठीक है एवरेज डिसेंट है कि बैटिंग करना अच्छी यहाँ से जानता है और विकेट कीपिंग सेक्शन में दिया हुआ है और अपनी टीम में रख सकते हो ठीक ऑप्शन है आठ फिफ्टी मार चुका है और दो हंड्रेड मार चुका है सेवेंटी सेवन मैच में मतलब दस मैच दस मैच ऐसे रहे जिसने जिसमें इसने पचास से ऊपर स्कोर किया है तो यहाँ पे देखा जाए तो एवरेज निकल के आती है सेवेंटी सेवन को अगर दस से करोगे तो यहाँ पे ऑन ऑन एवरेज आती है इसकी पर सात मैच में एक बार फिफ्टी मारता है तो यहाँ पे देखो तो सात मैच में एक बार अच्छी परफॉर्मेंस करने वाला आई थिंक इतना अच्छा रहेगा नहीं पर विकेट कीपिंग सेक्शन में दिया हुआ है तो हम आई थिंक इसकी टीम में रख सकते हैं दूसरी बात है वो एक बॉन्ग में था पार्ट टाइम पर सेवेंटी सेवन मैच में तीन विकेट की कोई वैल्यू नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट नजर रखना बॉलिंग के पॉइंट से बात करें आते शाहिद अहमद की बात करें तो यहाँ पे नौ मैचेस में अस्सी रन है ग्यारह की एवरेज है और यहाँ पे देखा जाए चार विकेट से तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता इसको टीम से रखूंगा बाहर बाकी बात करें हबीबुल्ला की बात करें तो यहाँ पे तीन मैचिस में थर्टी रन है तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे ये भी नजर नहीं आता बाकी बात करते थे फजल बशीर की बात करें तो 46 सिक्स मैचेज में इसके बारह सौ अट्ठाइस रन है और इकतीस पॉइंट फोर नाइन के एवरेज है बहुत अच्छी एवरेज तीस, तीस से ऊपर की एवरेज है बैटिंग के प्लस सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 46 मैच में सेवन फोर्टी सेवन विकेट ले चुका है पर मैच हर मैच में ऑलमोस्ट एक विकेट और 46 सिक्स मैचेस में चार पचास रन चार बार पचास मार चुका है दो सेंचुरीज मार चुका है तो छह बार फोर्टी सिक्स मैचेस में ऐसे सिचुएशन रही है जब इसने पचास से ऊपर स्कोर किया तो आपकी टीम में इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है बाकी बात करें अब्दुल सलाम भाटी के बारे में बात करें सेवेंटी फोर मैचेज में इसके uh, अट्ठारह सौ सत्रह रन और अट्ठाईस की एवरेज देखा जाए तो एवरेज इसकी भी अच्छी है सेवेंटी फोर मैच बट इसके आठ बार ही सेवेंटी फोर मैच में आठ बारी ऐसा हुआ है कि जिसमें पांच बार फिफ्टी मारी और तीन बार हंड्रेड मारी है और एक विकेट है तो विकेट की कोई रेलिवेंस नहीं है सेवेंटी फोर मैच में एक विकेट कोई बड़ी बात नहीं है कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे बैटिंग के पॉइंट से देखा तो ठीक ठाक ऑप्शन अपनी टीम में आप करना चाहो तो कर सकते हो बट ग्रैंडिंग में मैं बोलूँगा ज्यादा प्रेफर करो बाकी बात करें यूसुफ रजमान बट की बात करें रमजान बट की बात करें फाइव मैचेस में इसके बहत्तर रन है के एवरेज है तीन विकेट है पांच मैच में तीन विकेट है ऑलमोस्ट पर मैच एक विकेट आ सकता है बट देखे तो एवरेज ज़्यादा अच्छी नहीं है बैटिंग से इसलिए उसको अपनी टीम से इग्नोर करके चलूंगा मैं जहिब कमर की बात करें तो यहाँ पे आठ मैचेस में एक सौ अड़तीस रन है बैटिंग से देखा जाए थर्टी फोर की एवरेज देखा जाए थर्टी फोर की एवरेज बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है बट सिर्फ मैचेस ज़्यादा नहीं है सिर्फ आठ मैच में एक सौ अड़तीस रन है उस केस में मैं इसको टीम से लूंगा लूँगा सिर्फ आठ मैच में एक ही पचास मारे तो मुझे नज़र नहीं आता इतना इंपॉर्टेंट 2, 3, 50 होते समझ भी बाकी बात करें, साद लतीफ के दो मैच दो मैचेस में, इसके, आ, आ, दो मैचेस में एक विकेट है, तो इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता करें उमर खालिद की तो दस मैच चौबीस रन है और सत्रह की एवरेज है तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता बाकी बात करेंता उल उल्मन, मनन बट की बात करें तो यहाँ पे ट्वेंटी एट मैच खेल चुका है टू सिक्स सेवन रन है बाईस की एवरेज है और तीन पचास मार चुका है, तीन मैच में तीन पचास और इकतीस विकेट उसका पॉजिटिव पॉइंट थोड़ा ये नजर आता है कि बैटिंग के साथ थोड़ी अच्छी बैट बॉलिंग में गलत है उसको टीम में आप चाहो तो चौथों कांसिडर करती होता उलमन बट बट को बाकी बात कर आते हैं आलम नूर की बात करें नौ मैचेस में बहत्तर अट्ठारह के एवरेज है सत्रह विकेट है नौ मैच में सत्रह विके... सत्रह विकेट है ऑलमोस्ट हर मैच में दो विकेट और बैटिंग से अट्ठारह के एवरेज है अपनी टीम में जरूर रख सकते हो इसे और रखना भी चाहिए अच्छा बॉलर नजर आता है और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है बाकी बात करें आता है इनाम उल्ला की जो सैतीस मैचेस में एक हज़ार चौरासी रन है बत्तीस की एवरेज बैटिंग बॉलिंग में देखा जाए बैटिंग में देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी एवरेज है प्लस इसका पॉजिटिव पॉइंट ये कि सैतीस मैच में दस पचास मार चुका है समझ रहे हो हर तीन मैच में ऑलमोस्ट एक फिफ्टी मार के जाता तो ये इंपॉर्टेंट नजर आता है बैटिंग से वहीं देखा जाए बॉलिंग में भी इंपॉर्टेंट लगता है सैतीस में छियालीस ऑलमोस्ट पर मैच में एक विकेट लेगा या उससे ज्यादा लेगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी पिक लग रहा है बाकी बारे अब्दुल हमिद बाटी के बारे में बात करें 86 मैचेस में उन्नीस सौ चौरानवे रन ऑलमोस्ट 2000 रन है तीस के एवरेज तीस के एवरेज ऐसी एवरेज होती है कि ना इसको बुरी बोल सकते हैं ना अच्छे और बोलूंगा बैटर रहेगी बहुत ज्यादा बैटर तो यहाँ पे तीस के एवरेज वाले दो प्लेयर ऊपर वैसे निकल चुके हैं और वही बहुत इंपॉर्टेंट है 86 मैचेस में बारह सिचुएशन ऐसी रही जिसमें पचास से ऊपर गए जिसमें दस फिफ्टी और दो सेंचुरीज मार चुका है दो और फोर्ट एट विकेट है ऑलमोस्ट देखा जाए तो दो मैच में एक विकेट तो बॉलिंग में देखा जाए दो मैच में एक विकेट तो बॉलिंग से मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता और बैटिंग से देखे तो यहाँ पे थर्टी की एवरेज है जो बहुत डिसेंट एवरेज है आप अपनी टीम में जरूर कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे अब, अब्दुल हमीद भाटी को बाकी कार्य नसर महमूद की बारे के बारे में बात करें थर्टी सेवन मैचे में इसके फोर एट्टी फाइव रहने इक्कीस के एवरेज है दो पचास है तो इम्पॉर्टेंट नजर नहीं आता बैटिंग से मुझे दो पचास थर्टी सेवन मैचेस में बॉलिंग से देखे तो सैंतीस है बीस तो पर दो मैच में एक विकेट तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता मुझे बाकी कह रहे हर हसर रहमान भाटी के बारे में बात करें चौदह मैच में ग्यारह विकेट पर मैच एक विकेट भी नहीं आता इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नजर नहीं आता बात करें रहमान भाटी के बारे में बात करें सिक्सटी सिक्स मैचिस में इसके चार सौ छत्तीस रन ने तेरह की एवरेज है एक पचास है छियासठ मैच में सिर्फ एक पचास तो इंपॉर्टेंट नहीं लगता बैटिंग से बाकी बात करें विकेट भी इकतीस है तो यहाँ पे दो मैच में एक विकेट के आसपास आ रहा है तो इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता मुझे बाकी बात करें यासिर महमूद की बात बात करें सत्रह मैच में बैटिंग तो अच्छा नहीं पर बॉलर है तो बॉलिंग में सत्रह देखो सत्रह मैच में सैतीस विकेट पर मैच दो विकेट या उससे ज़्यादा ही लेके देगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है मिसमत करना टीम से इसलिए मैंने थम्स अप एंड फायर कर स, इमोजी यूज़ करा हुआ है बाकी बात करें आमिर वहीद की बारे में बात करें सोलह मैचिस में छः सौ छियासी रन है फोर्टी नाइन की एवरेज है देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज है और बॉ फिफ्टी देखो सोलह मैच में दो फिफ्टी और तीन हंड्रेड मार चुका है आई थिंक बहुत गजब है मतलब स्टेट्स इसके और एक बॉलिंग में भी देखो सोलह मैच में इकतीस विकेट तो मैं इसको टीम से मिस नहीं करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा महित भट्ट के बारे में बात करें नौ मैच में तीन विकेट इंपॉर्टेंट नहीं है राणा रिजवान अहमद के बारे में बात करें तो यहाँ पे तीस मैचिस में टू फोर्टी सेवन रन है और तेरह की एवरेज है उन्नीस विकेट है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता तीस में उन्नीस विकेट है बाकी नीचे देखो ताहिर अहमद के बारे में बात करें बीस मैचिस में सिक्स सिक्सटी नाइन रन है साठ की एवरेज है और है देखो दो फिफ्टी है दो हंड्रेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बात साथ में बॉलिंग में देखो छियालीस विकेट्स है तो मुझे ये तीन प्लेयर बहुत अच्छे लगे और ऊपर से बात करें यहाँ पे ये चार मुझे मतलब आई थिंक ऐसे प्लेयर लगते हैं कि टीम से मिस करने नहीं चाहिए बाकी अब परसेंटेज रीप लेवल में ऐसा दिया होगा कि नीचे वाले प्लेयर्स इनका सिलेक्शन रेट बहुत कम होगा तो वो कई बार मन में डाउट क्रिएट करता है कि ये प्लेयर को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर उस दिन अच्छा नहीं खेला तो अपना भाई यह है कि से परसेंटेज की वजह से हमें थोड़ा कई बार अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि इसको ले ना ले तो यहाँ पे थोड़ा डाउट क्रिएट होता है अदरवाइज देखे तो स्टैट्स आपके सामने सारे अवेलेबल है चार प्लेयर तो मेरे ख्याल से आपको मिस नहीं करने चाहिए बाकी ये पाँच छः तो ये अच्छे सात प्लेयर है पाँच छः सात जो भी है तो आते हैं दूसरी टीम के स्टैट्स के ऊपर एफ सी सी के स्टेट्स के बारे में बात करें तो आते हैं यहाँ पे वम वामक साइज के बारे में बात करें फिफ्टी सेवन मैच में इसके तेरह सौ तो छिहत्तर ने उनतीस की एवरेज बहुत अच्छी एवरेज है बात करें एवरेज और सत्तावन मैच में तीन फिफ्टी में चुका है दो सेंचुरीज लगा चुका है तो पांच सत्तावन मचे सिर्फ पांच सिचुएशन ऐसी रही है जिसमें पचास से प्लस स्कोर किया तो मतलब पर हर दस मैच हर पांच मैच में और मतलब हर दस मैच में एक बार कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता तो दस मैच में एक बार करने वाला प्लेयर आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आता प्लस विकेट कीपिंग सेक्शन में दिया होगा तो आई थिंक इंपॉर्टेंट रह सकता है वहीं बात करें बॉलिंग में तो यहाँ पर सत्तावन मैच दस विकेट पर पाँच या छः मैच में एक विकेट तो इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं मुझे बट विकेट कीपिंग सेक्शन में विकेट कीपर में हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे हुसैन के बारे में बात करें तो दस मैचे में एक सौ तेईस है पंद्रह की एवरेज है पांच विकेट है बैटिंग से मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं है पर बॉलिंग में देखिए दस मैच में पांच विकेट पर दो मैच में एक विकेट तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे नजर नहीं आता बाकी बात करें आयुब पाशा के बारे में बात करें फोर्टी सेवन में बार चौदह सौ बाईस रन है और 34 की एवरेज है तो बहुत अच्छी एवरेज है साथ में देखा जाए सैंतालीस uh, मैच में दस पचास मार चुका है एक हंड्रेड तो लगभग हर, हर चार मैच में एक बार पचास से ऊपर जरूर जाता है तो इंपॉर्टेंट लगता है बैटिंग के पॉइंट में से वही बात करें बॉलिंग से सैंतालीस में इकतालीस विकेट है ऑलमोस्ट पर मैच एक विकेट तो इंपॉर्टेंट है टीम में रखना जरूरी है बाकी बात करें अकेल तारीख के बारे में बात करें बावन मैच इसमें सात सौ पंद्रह रन है और चौदह की एवरेज है तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे नज़र नहीं आता सिर्फ एक फिफ्टी है बावन मैचिस में एक फिफ्टी तो बैटिंग से रखता नहीं इंपॉर्टेंट वहीं बात करें सिर्फ सोलह विकेट है तो इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता बाकी बात करें अलीशान मोहम्मद के बारे में नौ मैचिस में चार सौ इक्कीस रन है और साठ की एवरेज है ए मोहम्मद की तो मुझे लगता है कि ठीक प्लेयर है बैटिंग से बहुत ज़्यादा बढ़िया है साठ की एवरेज मेंटेन करी हुई है और दूसरी बात करें यहाँ पे 200 लगा चुका है सिर्फ नौ मैच में तो मुझे लगता है बहुत गजब प्लेयर अपनी टीम में जरूर रखना चाहिए नौ विकेट है तो बॉलिंग से इतना इंपॉर्टेंट पर बैटिंग से देखोगे तो नौ मैच में दो सेंचुरीज लगा चुका है बाकी बात करें आता है तंजील तारीख के बारे में बात करें इकहत्तर मैच में यहाँ पे एक रन है और बात करें अट्ठारह की एवरेज और बैटिंग की एवरेज से इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है इकहत्तर में पाँच है तो ऑलमोस्ट चौदह मैच में एक बार फिफ्टी के आसपास जाता है तो इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता और दस विकेट इकहत्तर मैचेस में तो इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है आई थिंक uh, सारे स्टार्टर आपके सामने क्लियर करके रख रहा हूँ आपको सारी बात समझ आ रही होगी तो शफक अली के बारे में बात करें तो यहाँ पे दस मैचेस में एक सौ बयालीस रन है और यहाँ पे पंद्रह के आवरज है तो इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे यहाँ पे बात करें अली, अली, अली अल रजी के बारे में बात करें फोर्टी थ्री मैचेज में चार सौ इकतालीस रन ने बारह की एवरेज है अट्ठाईस विकेट है तेरालीस में अट्ठाईस तो बॉलिंग से इंपॉर्टेंट थोड़ा लगता नहीं इतना, है इतना बट स्टिल फिर भी ठीक है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे टीम में रखने लायक आप ग्रैंड लीग में ट्राई तो करना चाहो तो कर सकते हो पर स्मॉल लीग के लाइक पिक नहीं लग रहा बैटिंग से तो इंपॉर्टेंट वैसे नजर नहीं आ रहा नक्श नवेद के बारे में बात करें तो आप अट्ठाईस मैच है तीन सौ तिरपन रन ने सोलह की एवरेज है बैटिंग से देखिए सोलह की एवरेज ज्यादा अच्छी एवरेज नहीं है एक फिफ्टी सिर्फ अट्ठाइस मैच में और अट्ठारह विकेट है मैच में तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे नजर नहीं आता बाकी बात करें इकबाल मोहम्मद के बारे में बात करें तीस मैच में पांच सौ तिरपन है चौबीस के एवरेज है ऐसी एवरेज ना अच्छी है ना बुरी है ठीक है बैटिंग से दो फिफ्टी है तीस मैचेज में तो दो फिफ्टी तीस मैच है कोई बड़ी बात नहीं है दूसरी बात करें इकतालीस विकेट है ये इंपॉर्टेंट है तीस मैच में इकतालीस विकेट तो यहाँ पे जितने मैच है उससे ज्यादा विकेट ले चुका है तो अपनी टीम में आप रख सकते हो पर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं प्रेफर इतना नहीं करूंगा बाकी बात करें संजीव तनेजा के बारे में इक्कीस मैचेस है फॉर सेवेंटी रन है तेईस चौबीस की एवरेज है इकतीस मैच में दो फिफ्टी है तो आई थिंक पंद्रह मैच में एक बार फिफ्टी के आसपास जाता है तो और पच्चीस विकेट ले चुका है इकतीस मैच में तो आई थिंक पर मैच एक विकेट ठीक है टीम में चौदह रख सकते हो बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट टीम में रख सकते हो बाकी बात करें हसन नौमान के बारे में बात करें सिक्सटी सेवन मैच में सात सौ आठ रन है उन्नीस की एवरेज है बैटिंग से चार पचास मार चुका है एट्टी नाइन है तो यहाँ पे सिक्सटी सेवन मैच सिक्सटी सेवन मैच में चार पचास मतलब है कि ऑलमोस्ट सत्रह अठारह मैच में एक बार फिफ्टी के आसपास जाता है और दूसरी बात करें उन्नीस के एवरेज है तो बैटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर बॉलिंग में स्टार्ट होगा सिक्सटी सेवन मैच में एटी नाइन तो बॉलिंग के पॉइंट मैं बोलूंगा आपको टीम में रखना चाहिए इसे बाकी बात करें वाहद हाजी के सात मैच में आठ विकेट है पर मैच एक विकेट ठीक है बाकी ऐसे ये अलीश सफ़ी है ये भी ठीक है पर मैच एक विकेट ज़्यादा कोई है नहीं कि बहुत ज़्यादा विकेट लेके दिया है यहाँ पे इसकी बात करें तो थोड़ा कम नज़र आता है इन बाकी कंपैरिजन में बाकी ये थोड़ा ठीक नजर नौ पे ग्यारह विकेट सात पे चार विकेट यहाँ पे तो ये थोड़े है बाकी ये थोड़े ये, ये दो बॉलर सही लगते हैं बाकी तो आई थिंक मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए तो आई थिंक टीम क्रिएट करते फटाफट से यहाँ पे आयुब पाशा के लेते हैं आयुब पाशा को टीम में लेके चलते आयुब पाशा आ गया और uh, यहाँ पे आगे आयुब आ आगे यहाँ पे संजीव तनेजा को ले लो या फिर हसन को ले लो तो स्टैट्स के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी ये टीम क्रिएट करी है आप भी अपना स्टैट्स मैंने आपके सामने पूरे स्टैट्स रखे हुए आप भी वो टीम क्रिएट कर सकते हो और मैंने सारा आपको एक्सप्लेन करके बताया हर प्लेयर के बारे में जो इंपॉर्टेंट है कौन क्या और यहाँ पे एक प्लेयर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट खल रहा है कि मैं बॉलिंग सेक्शन में ले लूँ बट मैं ले नहीं पा रहा टी अहमद मैं चाहूँ तो किसकी जगह लूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि बहुत अच्छा विकेट टेकर प्लेयर है क्योंकि इन टीम के तीन बॉलर देख रहे हो बहुत अच्छे हैं ये सत्रह में सैंतीस विकेट है एक के सोलह में इकतीस विकेट है प्लस बैटिंग अच्छी कर रहा है दूसरा है बीस में छियालीस विकेट तो बैटिंग से साठ की एवरेज भी है तो मुझे ताहिर अहमद लेना चाहिए आई थिंक तो दिक्कत आ रही है अगर इनका एक्स्ट्रा बॉलर रहते हैं तो इनके बॉलर छह बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी ये दिक्कत क्रिएट हो रही है तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि आप ताहिर अहमद के साथ जाओगे या फिर आप किसी एक को कम करोगे और या फिर आप आई मोहम्मद के साथ जाओगे तो ये लास्ट में देखते हैं लाइनअप के बाद क्योंकि आई थिंक एक घंटे पहले लाइनअप हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे तो फिलहाल टेम्प्रेरी बेस पे टीम ये बना लेते हैं कैप्टन में इनाम उल्ला अगर कह रहा हूँ भाटी को वाइस कैप्टन कर लेते हैं बाकी आप इसे भी कर सकते हो ग्रैंड लीग स्पेशल और ग्रैंड लीग में आपको इनको टारगेट जरूर करना है इसको 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 ये तीन प्लेयर मुझे ग्रैंड लीग में बहुत लग रहा है कि इसको डिफरेंट कर सकते हैं सिलेक्शन रेट बहुत कम है कैप्टन वाइस कैप्टन की सिलेक्शन देख सकते हो तो इन पर थोड़ा ध्यान रख के चलना बाकी ऑलराउंडर तो है ही और नीचे जो तीन बॉलर है उन पर ध्यान रखें चलना तो आई थिंक मेरी वीडियो आपको काम जरूर आई होगी मैंने आपके स्टैट्स सामने रख दिया और आपको आई थिंक आप कुछ प्लेयर रह सकता है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है स्टैट्स के तो आप उसको ले सकते हो तो वीडियो च... और आई थिंक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको ग्रैंड लीग के रिलेटेड और स्मॉल लीग के रिलेटेड अगर आपको ग्रैंड लीग में ऐसी वीडियो देखने की आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग अच्छे से विन करनी है या फिर आपको ऐसा वीडियो टीम बनानी सीखनी है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा व्हाइट कलर का उस पर बदवाना उसको दबाने के बाद आपको तीन चार वीडियो दिखाई देती है दो तीन वीडियो दिखाई देगी नीचे दिखाई देगी या फिर यहाँ पे वीडियो दिखाई देगी दो तीन तो दो तो तीन वीडियो में से तीनों वीडियो को देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आई थिंक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो तो वो मिस मत करना कभी आप ड्रीम में बहुत चेक कर सकते हो अगर आपको कुछ अच्छा अर्न करना है तो वीडियो अच्छे लगे तो है लाइक जरूर करना मैंने बहुत दिल से वीडियो बनाई है मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर एडबटन नीचे दिखाई दे रहा हूँ और घंटी जरूर दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले है जब भी वीडियो अपलोड करूँ कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछा सबका रिप्लाई करूंगा और दो से फ्रेंड का शेयर करना वीडियो अच्छी लगे तो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट जहाँ करते हैं वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा लिंक पे क्लिक करोगे चैनल ऊपर जाके ज्वाइन कर लेना आई थिंक सब कुछ कवर कर दिया मिलते हैं एक नई वीडियो का जॉइन दोस्तों